जाबाजी की ये तस्वीर झारखंड के चाईबासा जिले के चक्रधरपुर से आई है। जहां आरपीएफ के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर यात्रियों की जान बचाने का साहस भरा काम किया है। चक्रधरपुर स्टेशन की ये पहली तस्वीर रात 12:30 बजे की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुंबई से हावड़ा जाने वाली मेल सुपरफास्ट ट्रेन चक्रधरपुर स्टेशन पर रुकी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक यात्री ट्रेन से चक्रधरपुर स्टेशन पर उतरा। कुछ देर बाद ट्रेन जैसे ही टाटा के लिए चक्रधरपुर स्टेशन से खुलने लगी, वो यात्री वापस पलटा और चलती ट्रेन में फिर से सवार होने के लिए बढ़ गया। लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। ये सब वहां मौजूद आरपीएफ जवान देख रहे थे। यात्री को आगे बढ़ता देख उन्हें आभास हो गया था कि कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वो भी यात्री की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही यात्री ने ट्रेन की बोगी में चढ़ने की कोशिश की, उसका पैर फिसला और उसका एक हाथ बोगी के दरवाजे से छूट गया। यात्री गिरकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच पहियों में जाने वाला था कि वहां मौजूद आरपीएफ जवान सचिन कुमार सैनी ने गिरते यात्री को लपक कर पकड़ा और उसे संभाल लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे उठाते हुए बोगी के अंदर धकेला। जिससे उसकी जान बच गई। महज चंद सेकंड में इतना सब कुछ हो गया। लेकिन इन्हीं चंद सेकंड में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो यात्री दर्दनाक काल के गाल में समा सकता था। घटना के बारे में बताते हुए सचिन कुमार सैनी ने कहा कि टाटा जा रहा यात्री नींद में चक्रधरपुर उतर गया था। गलती एहसास होने पर वो ट्रेन की ओर वापस मुड़ा, लेकिन तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसी दौरान ये सब कुछ हो गया। सर, मेरा नाम सचिन कुमार सैनी। कल रात में मेरा सील चेकिंग ड्यूटी था, 2809 डाउन। मैं चेक करने के बाद अपना एंट्री कर रहा था। जैसे ही गाड़ी खुला, मैंने देखा एक यात्री नीचे उतरा, लेकिन फिर अचानक मैं अपना लिखने लगा तो फिर वो अचानक से चलती गाड़ी में चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते मैं देखा कि वो स्लिप कर रहा था, तो मैं दौड़ के उसको अंदर धकेल दिया, जिससे वो सुरक्षित अपना अंदर गाड़ी में घुस गया। मैंने वो उस यात्री को कहाँ जाना था? उसको टाटा उतरना था, लेकिन नींद के झोंके में कारणवश वो सीकेपी में उतर गया, चक्रधरपुर में उतर गया। तो उसको लगा कि शायद टाटा आया है, लेकिन जब वो देखा कि टाटा नहीं है, वो दोबारा उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता था, तो मैं दौड़ के उसको अंदर धकेल दिया। चक्रधरपुर स्टेशन पर ही जाबाजी की एक और तस्वीर रविवार को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 8:30 बजे दिखी। जहां एक लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पटरियों पर दौड़ रहा था। लड़का अपनी धुन में मग्न लग रहा था। इसी दौरान लड़के के पीछे एक मालगाड़ी आने लगी। मालगाड़ी का लोको पायलट हॉर्न बजाता रहा, लेकिन लड़का पटरी से नहीं हटा। हादसे को अंजाम देने की ओर मालगाड़ी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक वहां मौजूद 4 आरपीएफ जवानों सरना मरांडी, इंद्रजीत कुमार, विकास मीणा, उमराव यादव की नजर ट्रेन के आगे आगे दौड़ते उस युवक पर पड़ी। ट्रेन और लड़के का फासला महज 4 कदम का ही बचा था, लेकिन चारों आरपीएफ जवानों ने खुद की परवाह किए बिना लड़के को पलक झपकते ही तेजी से खींचकर पटरी से बाहर निकाला और लड़के की जान बचा ली।
सर मैं कल झारसुगुड़ा से सीकेपी के लिए स्कॉटिंग करके आ रहा था, तो मेरे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी थी। मैं राउरकेला एंड पे था, तब देखा कि 1 नंबर लाइन से गुड्स ट्रेन जा रही थी। उस टाइम पे अदर व्यक्ति था जो लाइन पे जा रहा था, ट्रेन से पीछे हॉर्न दे रही थी बट वो साइड नहीं हट रहा था। मुझे मालूम चला कि इमरजेंसी लगा रहा है, मैं सामने से दौड़ते हुए आया, उसको साइड किया, जान बचा दी। यस सर, 2 सेकंड की भी देरी होती तो लड़का मालगाड़ी की चपेट में आ जाता। इस घटना के बाद लड़के से पूछताछ की गई और उसके परिवार वालों से संपर्क किया गया। पता चला कि नीरेन हेम्ब्रम नाम का यह लड़का मानसिक रूप से कमजोर है और वो चक्रधरपुर के घाघरा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद आरपीएफ ने नीरेन को उसके भाई को सुरक्षित सौंप दिया। जाबाजी की ये तस्वीरें दिल खुश कर देती हैं, साथ ही ये सबक भी देती हैं कि जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चाईबासा से जय कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।